हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक. दिस इज सुनील वर्मा. थैंक्स फॉर सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स योर लव एंड सपोर्ट. सो फ्रेंड्स, आज है वीक 14 डे 98. इस आदिवासी के ऑयल को लगाते हैं वो पूरे 98 डेज हमें हो चुके हैं और 98 डेज के अंदर इस ऑयल को अभी तक हमने लगाया है 49 बार, क्योंकि एक दिन छोड़ के एक दिन लगाना होता है. इसके अलावा दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारा जो फाइनल रिव्यू था 3 महीने वाला जो रिव्यू है वो आ चुका है. अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, थोड़ा सा लंबा वीडियो है लेकिन बहुत धमाकेदार वीडियो है. टोटल अभी तक के जितने भी पिक्स थे, पुराने वीडियो, ये वो सब मैंने आपको दिखा दिया है. उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा मेरे चैनल पे जाके. 3 महीने का वीडियो है जिसपे लिखा हुआ है कि 3 महीने में मेरे कितने बाल आए. थंबनेल मैं आपको बगल में दे दूंगा. चलिए दोस्तों, आप शुरू करते हैं आज का वीडियो. तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो हमारा जो ऑयल है लगभग खत्म होने वाला है और मेरे हिसाब से शायद 1 या 2 हफ्ते के अंदर ये ऑयल है वो खत्म हो जाएगा. लेकिन इस बार मुझे इस ऑयल को मंगवाने में बहुत ज़्यादा मेहनत हुई. मैं लगातार 4 से 5 दिन लगा रहा व्हाट्सएप के ऊपर, क्योंकि ये लोग न तो फ़ोन उठाते हैं, न रिप्लाई करते हैं, मैसेज देके छोड़ देते हैं. मैं भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हुआ इस चक्कर में. मैंने उल्टे सीधे मैसेज भी कर दिया कि भैया कि अगर तेल दे रहा हो तो दो, अगर नहीं दे रहे तो मैं किसी और से मंगा लूँ. तो उसका भी इनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ. बहुत टिपिकल है, बहुत से लोग मेरे वीडियो में कमेंट करते थे कि ये लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं, नहीं जवाब देते हैं. बात बिल्कुल सही है, जवाब नहीं देते हैं, बट क्या करें यार. देखिए, अगर ऑयल चाहिए आपको तो इतना तो करना पड़ेगा. मैंने खुद ने ही बड़ी मुश्किल से ये ऑयल ऑर्डर किया है, करीब 3 दिन लगे मुझे. और आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज जाके मेरा जो ऑयल है वो डिस्पैच हो गया है. अब मैंने ऑयल कौन सा मंगाया है, मैंने यही ऑयल मंगाया है. मैं पहले कन्फ्यूज था, मैंने सोचा विनय भाई का जो ऑयल मंगाऊंगा, बट लास्ट वाला जो वीडियो था मेरा, 3 महीने वाला वीडियो था, उसके अंदर बहुत से लोगों ने मुझे नीचे कमेंट किए हैं कि सर वाला ऑयल मत मंगवाइए. और एक कमेंट था, उन्होंने कहा था कि मैंने ये ऑयल लगा रखा है, दोनों ऑयल लगा रखे हैं उस बंदे ने, और उसने फोर्सफुली किया कि भैया वाला तेल मत लगाइए, बहुत बेकार तेल है. या फिर अब बेकार तो मैं नहीं कह सकता, बट फिर मैंने उसको बोला कि एक काम कर, अगर तेरे पास दोनों ऑयल हैं तो आप एक काम कीजिए, उन दोनों ऑयल की बोतल का फोटो मेरे पास भेजिए. तो उस बंदे ने मुझे दोनों जो ऑयल हैं बोतल के फोटो भेजे. तो यार अब बात माननी पड़ेगी कि वो बंदा सही कह रहा है. तो मैंने फाइनली फिर मैंने उस वाले ऑयल को मैंने कैंसिल कर दिया, विनय भाई का जो ऑयल था. अब फाइनली मैंने यही ऑयल मंगाया है जो कि मेरे हाथ में है, सेम इसी ब्रांड का, क्योंकि जब इसी से हमें बेनिफिट मिल रहा है तो फिर हम ब्रांड क्यों चेंज करें. सो दोस्तों, अब बात करते हैं आज के फोटो की. तो आज मैंने एक और फोटो लिया. मैंने कहाँ का फोटो लिया, यहाँ का, क्योंकि यहाँ पे मेरे सबसे कम बाल है. तो जैसे कि आप चाहे स्क्रीन पर देख सकते हैं, उस फोटो को हमने जूम किया और जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो एरिया है अभी फिलहाल उसी पॉइंट पे रुका हुआ है, बट धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि ये जो एरिया है ये भी कवर हो जाएगा, क्योंकि अभी तक मैंने इस ऑयल को सिर्फ 3 महीने लगाया है और आगे मैं इस ऑयल को कंटिन्यू रखूँगा और हमारी जो रिव्यू है, हमारी जो वीडियो है वो भी कंटिन्यू रहेंगे. और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, अभी तक जितने भी वीडियो आए हैं, अगर आप नए आए हैं इस ऑयल के ऊपर, तो मैंने इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट, यानी कि हमने जब ये ऑयल मंगाया था उसकी अनबॉक्सिंग की थी, उसके बाद मैंने अपना जो सर है उसका क्लीन शेव कराया था, यानी मुंडन गंजी जो भी बोलते हैं वो करवाया था, वो सारे वीडियो मैंने एक प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं जो कि मैंने आपको ऊपर आई बटन पे और इस वीडियो की एंड स्क्रीन पे दे दिए हैं. तो आप जाके उन वीडियोस को भी चेकआउट कर लीजिए, तभी आपको पता चलेगा भाई कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है. सो दोस्तों, अब बात करते हैं कि रियल कंपैरिजन की. तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे बाल पहले भी अच्छे थे, बाल यहाँ पे भी अच्छे थे, बाल हमारे यहाँ पे भी अच्छे थे. हमारे बाल कहाँ कम थे, यहाँ पे और इस जगह पे. देखिए, देखते हैं कि यहाँ का जो एरिया है वो कवर हो चुका है, थोड़ा थोड़ा बहुत ज़्यादा कवर हो चुका है, और यहाँ का जो एरिया है वो थोड़ा बाकी है, जैसे कि आप हमारे पुराने वीडियोस के अंदर देख सकते हैं. इसके अलावा दोस्तों, एक और बड़ी चीज़ बात मैं भूल गया कि आज मैंने एक और फोटो क्लिक किया. जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो एक फोटो ये मैंने 2024 में लिया था फरवरी के अंदर. पीछे से मैं एक कोट था, सॉरी मेरा जोधपुरी सूट था, मैं उसको ट्राई करने के, भाई उसकी जो फिटिंग है वो कैसी लगती है बैक से, वो फोटो मैंने लिया था. और वो फोटो मुझे मिल गया ऐसे स्क्रॉल करते हुए, तो मैंने सोचा क्यों ना यार इसको एज अ कंपैरिजन डाल दिया जाए. और ये जो बगल वाला फोटो देख सकते हैं, तो ये मैंने आज फोटो लिया है, और दोनों फोटोज के अंदर आप देख सकते हैं कि यार हमारा जो ये एरिया है वो कितना ज़्यादा कवर हो गया है. और कुछ इसी तरह से मैंने बहुत सारे कंपैरिजन फोटो डाले थे, बहुत सारे वीडियो भी डाले हैं, बट वो डाले हैं मैंने इससे पहले वाले वीडियो में. तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे स्क्रीन उस वीडियो का जो थंबनेल है वो दे रहा हूँ. तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो भी देख लीजिए, बहुत काम का वीडियो है, उसके अंदर आपको बिल्कुल डिटेल में मैंने सब कुछ समझाया है. सो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस ऑयल को मैंने कहाँ से मंगाया था. तो ये जो ऑयल है इसको मैंने सीधे मंगाया है कर्नाटका से. इस ऑयल की जो बॉटल है उसके ऊपर कुछ नंबर्स होते हैं, और इसके ऊपर एक नंबर है, एक नंबर मैं हटा दूंगा
क्योंकि फिलहाल अभी जो मैंने ऑयल मंगाया है मैंने उसी नंबर पे व्हाट्सएप करके मंगाया है, और पहले वाला जो ऑयल था वो भी मैंने उसी नंबर पे, तो स्क्रीन पे जो नंबर शो रहा है तो वही नंबर है फिलहाल। नंबर तो हालांकि इनके बहुत सारे हैं, बट ये जो वाला नंबर है इससे मैंने दो बार ऑर्डर किया है ऑयल, तो ये नंबर ज़्यादा बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो इन सब के अलावा दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात, एक कमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा मेरे पास आ रहा है, वो ये कि मुझे इस ऑयल को लगाते हुए 30 दिन हो चुके हैं, 35 दिन हो चुके हैं, 2 महीने हो चुके हैं, बट मुझे रिजल्ट शो नहीं हो रहे हैं और मेरे बाल अभी भी झड़ रहे हैं। तो देखो बाल तो मेरे भी झड़ रहे हैं, लेकिन उतने नहीं झड़ रहे जितने पहले झड़ते थे। इस ऑयल को अगर आपको यूज़ करना है तो उसका सबसे बेस्ट तरीका यह है कि पहले आपको आपके सर का मुंडन करवाना पड़ेगा। मैंने भी करवाया था, पिछले वीडियो आप जाके देख लीजिए। आप मुंडन कराते नहीं हो, स्टार्टिंग में जब आप तेल लगाते हो तो आपके बाल झड़ते ही झड़ते हैं। आप चाहे कोई सा भी तेल चेंज करो, आपके स्टार्टिंग में बाल झड़ेंगे ही सही। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यार, आपका जो हेयर फॉल है वो कितने सालों से हो रहा है? 2 साल से 3 साल से, ठीक है? इतने सालों से आपका हेयर फॉल हो रहा है और आप ये चाहते हो कि सिर्फ 1 महीना 2 महीना 3 महीना लगा के आपके जो हेयर फॉल है वो रुक जाए, कैसे पॉसिबल है यार? जब आदिवासी लोग बोल रहे हैं कि आपको कम से कम भी 3 महीने इस ऑयल को यूज़ करना है, उसके बाद आपको रिजल्ट शो होंगे, तो आप क्यों 1 महीना 15 दिन 20 दिन ये काउंट कर रहे हैं? जब आपने मंगा लिया है तो पूरा 3 महीने लगा के देखिए ना। इस तरह से कमेंट करने से कुछ नहीं होगा, जो तरीका है उस तरीके से आपको यूज़ करना पड़ेगा। आपको मुंडन भी करवाना पड़ेगा, आपको ऑनियन से मसाज भी करनी पड़ेगी, आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। मेरे पिछली वीडियोस के अंदर तो आपको सब कुछ बता रखा है, पर फिर भी आप इस तरह से कमेंट करेंगे तो यार ऐसे कुछ नहीं होता। और हाँ, एक और चीज़, मैं उन्हीं कमेंट का रिप्लाई करूँगा जो पॉइंट मैंने वीडियो में कवर नहीं किए हैं। जो पॉइंट मैं वीडियो में कवर कर चुका हूँ उन कमेंट्स का मैं बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करूँगा। तो इसलिए अगर आपको कमेंट करना है तो पहले पूरा वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद अगर वो पॉइंट अगर मेरे वीडियो में नहीं है तो ही जाके मैं उस कमेंट का रिप्लाई कर पाऊंगा। सो दोस्तों अब आपको क्या करना है, नीचे देखिए यहाँ पे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वहाँ पे एक बेल का बटन होगा, उसको दबा के वहाँ पे ऑल नोटिस सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिस सबसे पहले आपको मिले। सो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।